बहुत बहुत नमस्कार, कैसे आप सभी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। 29 को रिपोर्टिंग होनी है। मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड एक कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी डाला था कि जितने भी आपके डाउट्स आप सब पूछ लीजिए। तो इस वीडियो में दो चीज़ें कवर करनी है, पहला पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस, दूसरा जितने भी आपके कॉमन डाउट्स हैं वो सब। फिलहाल मैं जी ब्लॉक के सामने खड़ा हूँ। आपको अगर काइट में फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी है, गेट से सीधे यहाँ पे आना जहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस शुरू होगा। जी ब्लॉक के अंदर घुसते ही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाना है। देखो, दो रूम्स बनाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, 005 एंड बगल में 004। अब इन रूम्स का काम क्या है? बेसिकली वेटिंग रूम है। आप अपने पेरेंट्स के साथ आओगे, आप लोग आओगे, आपको यहाँ पे वेट करने को बोला जाएगा एंड आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो चेक होना है यहाँ पे। साथ में आपको एक टोकन पकड़ा जाएगा जिसमें एक नंबर लिखा होगा एंड इन केस ये अगर रूम्स भर जाते हैं देन जी ब्लॉक के जस्ट सामने एक सीआरपीसी हॉल है, वहाँ पे आपको वेट करने को बोला जाएगा। इन वेटिंग रूम्स में जो आपको टोकन दिया जाएगा ना, उसके सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ से 20-20 के बैच बनेंगे। जो ग्राउंड फ्लोर पर अभी हम खड़े हैं, आपको थर्ड फ्लोर पे ले जाया जाएगा। आइए चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, वहाँ से आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। अब ये है अपने जी ब्लॉक का थर्ड फ्लोर। देखो, यहीं पे जो भी मेन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस है, जो भी मेन एडमिशन प्रोसेस है, वो यहीं पर करा जाएगा। अब देखो, थर्ड फ्लोर के जैसे आप एंटर करोगे ना, आपको वेटिंग रूम्स दिए गए हैं। आपको जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर बुलाया जाएगा टोकन के साथ, आपको यहीं पर बैठाया जाएगा एंड इन वेटिंग रूम्स में भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होना है। इन वेटिंग रूम्स में आपको एक बेसिक एडमिशन डिटेल फॉर्म दिया जाएगा जो एक स्टूडेंट को भरना होगा। देन इसके साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर का फॉर्म भी मिलेगा। बेसिकली आपको उस फॉर्म के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। सो हमारे पास तीन वेटिंग रूम है, ये वाला वेटिंग रूम भी इस फ्लोर पे। अब इन वेटिंग रूम्स में जब आप ये काम कर लोगे, उसके बाद आपको अपने सीक्वेंस के हिसाब से बुलाया जाएगा एंड ये है हमारा मेन रिपोर्टिंग का रूम। यहीं पर सारी डिटेल्स जो हैं, सारी जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है, वो इसी रूम में होनी है। हमारे पास एडमिशन कोऑर्डिनेटर मेंबर है, इनसे पूछते हैं कि क्या बेसिक, क्या मेन काम होना है इस रूम में। तो जैसे कि आपको अभी तक बताया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके और एक स्टूडेंट डिटेल फॉर्म भर के ले आना है, फिर यहाँ बैठे फैकल्टीज़ और मेंबर्स उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद चीज़ें वेरीफाई होने के बाद इन सिस्टम्स पे आपको भेजा जाएगा। एट अ टाइम 18 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे होंगे। यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ERP पे अपलोड हो रहे होंगे। साथ ही जब ये अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ERP के क्रेडेंशियल्स आपके रजिस्टर्ड नंबर पे शेयर हो जाएंगे। एंड अगर इस पूरे प्रोसेस में, जैसे ERP पे जो भी आपका शेयर होगा, जो भी आपके पास डिटेल्स आएंगी, इन सभी प्रोसेस में अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमने जस्ट बगल में एक क्वेरी को रिजॉल्व करने का रूम बनाया है, स्पेशली बस आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस रूम में आ सकते हैं। देन ये जब आप काम कर लेंगे ना, देन आपका मोस्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको चलना है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मेन चीज़ फीस सबमिट करनी है। सो ये है जी ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे सबसे मेन प्रोसेस फीस सबमिट करी जानी है। ऐसा कुछ कॉरिडोर है अपना फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ पे बने हैं रूम्स, डिफरेंट रूम्स रहेंगे दोस्तों। एक रूम जो खुला हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फीस पूरी सबमिट होनी है, कहाँ पे होनी है। एक और चीज़, आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आते हैं DD से रिलेटेड, यू नो, एजुकेशन लोन के प्रोसेस रिलेटेड, तो ये सब जो डाउट्स है ना, इस प्रोसेस को दिखाने के बाद इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा सेक्शन में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। सो वी हैव रूम नंबर 103, जो कि एक रूम है जहाँ पे आपकी फीस सबमिट होनी है। यहाँ पे वी हैव अनदर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मेंबर, जो कि हमको बताएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट फीस सबमिट करनी है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या बेसिक प्रोसेस रहेगा। तो बेसिकली जो आपको फीस सबमिट करनी है, आपके पास 5 मोड है पेमेंट, ठीक है, जिसमें आप फी पे कर सकते हैं। फर्स्ट है कैश, सेकेंड इज कार्ड, थर्ड इज UPI, फोर्थ इज नेट बैंकिंग एंड द फिफ्थ इज डिमांड ड्राफ्ट। तो आप इन 5 मोड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे बेसिक डाउट जो आता है, एक बच्चा UPI करने आ रहा है, सो कुछ लिमिट होती है। सो अच्छा, फीस तो पहले पूरी एक बार में देनी है, पूरी फर्स्ट ईयर की एक बार में देनी है, आपको सेमेस्टर वाइज नहीं दे सकते। हाँ, पूरी फीस साल की एक बार में ही, साल की एक बार में देनी है। अब इस साल की एक बार में फीस देने को अगर UPI से मैं 2 बार में करूँ, 3 बार में पेमेंट करूँ, 3 अकाउंट्स यूज करके, तो वो हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है। आप लोग पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, लाइक मतलब एक बार में ही पार्ट पेमेंट, दो मल्टीपल अकाउंट्स यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, पूरी फीस जमा करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा? तो जैसे आप लोग फीस जमा कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को रिसिट मिलती है। जिन लोगों ने यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट किया होगा, उन लोगों को यहाँ पे फी रिसिट फिजिकल दे दी जाएगी। जिन लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट किया होगा, उन लोगों को फीस रिसिट उनके ERP पे जनरेट हो जाएगी, तो वो लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो फी रिसिप्ट करने के बाद, लेने के बाद, यानी फीस जमा करने के बाद, सिर्फ एक स्टेप और बचता है आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बीच में। वो स्टेप है एक PI रिपोर्टिंग करके, यहाँ पे चीज़ है।
आपको पीआई रिपोर्टिंग में क्या करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ईआरपी पे रजिस्टर करा गया है उसमें एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को वेरीफाई करवाने के बाद वन ऑफ द रूम्स में आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। पीआई रिपोर्टिंग करवाने के बाद जैसे मैंने बताया फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, आपका एडमिशन हो चुका, बट जिन लोगों को हॉस्टल्स लेना है उसके लिए जी ब्लॉक में ही सेकेंड फ्लोर पे हॉस्टल अलॉटमेंट के रूम्स बने हुए हैं, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। नाउ ये है अपना सेकेंड फ्लोर जी ब्लॉक का जहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट होना है, ये रहा कॉरिडोर। अब यहाँ पे देखो दो रूम अलॉटेड है बॉयज हॉस्टल के लिए, दो रूम अलॉटेड है गर्ल्स हॉस्टल के लिए। सिंपल से यहाँ पे अलॉटमेंट का काम होना है आपको, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अलॉट होना। एक और चीज, आप नीचे फीस पेमेंट करने आओगे ट्यूशन फीस की करके ऊपर आओगे, यहाँ पे आपको रूम अलॉट होगा वैकेंसी के हिसाब से खाली है कि खाली नहीं है। देन जो हॉस्टल की फीस है ना वो पे करने के लिए आपको वापस फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा, वहाँ पे वापस से हॉस्टल की फीस देनी पड़ेगी, देन आपका फुल्ली जो एडमिशन प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाएगा, ट्यूशन फीस एडमिशन प्रोसेस भी एंड हॉस्टल अलॉटमेंट भी। फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में आप लोगों के काफी सारे डाउट्स, तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो पहली चीज तो काइट का जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देन FW का फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। उसके बाद आप फिजिकल रिपोर्टिंग की टाइमिंग्स देखो, बाकी सब कॉलेज का मुझको आइडिया नहीं है, शायद 29 से ही है, बट काइट वाले 28 से ही फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू करवा रहे हैं, आप चाहो तो आके 28 को ही करवा सकते हो अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग। टाइमिंग्स वही 9 से 5 रहती है, हमारे कॉलेज में आप 8:30 बजे आ जाओ तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी, बट प्रोसेस 9 बजे से शुरू होगा। उसके बाद प्रॉपर क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो वो अभी पहले इंडक्शन शुरू होगा, जैसे मान के चलो 5th of September से हमारे कॉलेज में 5th से लेकर 17th तक SIP है इंडक्शन प्रोग्राम, उसके बाद प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी, बाकी कॉलेज का भी मोटा मोटा ऐसा ही रहेगा। उसके बाद फीस पेमेंट के मोड मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ बट फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैश दे सकते हो, कोई भी कार्ड चल जाएगा आपका, उसके बाद आपका नेट बैंकिंग हो जाएगा, UPI हो जाएगा और DDB हो जाएगा। अब देखो DD और एजुकेशन लोन प्रोसेस ये सब बैंक टू बैंक डिपेंड करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने जिनको बनवाना था बनवा भी लिया होगा, बट डिटेल्स आपको काइट से मिल जाती हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी एंड जाना आपको बैंक में पड़ता है ये दोनों प्रोसेस के सिलसिले में। उसके बाद फुल फीस करनी है दोस्तों, सेमेस्टर वाइज फीस नहीं पेमेंट करनी होती है, पूरी फीस एक बार में देनी होती है, ठीक है। एंड हाँ, उस एक बार की फीस को चाहे हॉस्टल की फीस हो चाहे ट्यूशन फीस हो, उस एक बार की फीस को अगर आपको 2 UPI अकाउंट से करना हो 3 UPI अकाउंट से करना हो तो वो कर सकते हो, बट देनी एक ही बार में। उसके बाद हॉस्टल फीस अलॉटमेंट से लेके हॉस्टल्स की डिटेल्स भी आपको काइट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे या फिर जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब देखो NBA स्कॉलरशिप से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स थे, हमारे कॉलेज की बात करूँ, देखो जनरल बात करता हूँ, NBA जिनकी ब्रांचेस है उनमें ही स्कॉलरशिप आती है, हमारे कॉलेज में ये सीन था, इस साल जिनकी नॉन NBA ब्रांचेस भी थी उनमें भी स्कॉलरशिप आई थी, सो हो सकता है अगले साल से भी ये सिलसिला चालू रहे, बट मान के चलो कि जिनकी NBA ब्रांचेस होती है उसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है स्कॉलरशिप आने की। उसके बाद डिजी लॉकर का कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, देखो अगर आपके पास 12 की मार्कशीट काफ़ी स्कूल वाले होते हैं कि अभी तक देते ही नहीं है, सो उस केस में करेक्टर आपके पास ना हो माइग्रेशन ना हो तो डिजी लॉकर वाला चल जाता है, बट ओरिजिनल बनवा लो क्योंकि वो देना पड़ता है बाद में, कॉलेज टाइम दे देता है एडमिशन कैंसिल नहीं करता, बट बाद में आपको देना पड़ेगा तो बनवा लो, अभी फिलहाल के डिजी लॉकर वाली चीज़ चल जाएगी। उसके बाद आप देखो फिजिकल रिपोर्टिंग में पेरेंट्स की ज़रूरत है, पेरेंट्स ना हो तो एक गार्जियन ज़रूर होना चाहिए, अकेले आओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, एक गार्जियन को लेके आना चाहे पेरेंट्स ना आए तो भी। कॉलेज हॉस्टल रिपोर्टिंग से पहले बुक कर सकते हैं, बुक नहीं कर सकते हो, बट 29 को आओगे 28 को आओगे जब भी आपको हॉस्टल अलॉट होगा उसी दिन शिफ्ट भी कर सकते हो, चाहो तो उसके बाद भी कर सकते हो, उस दिन भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहता है, तो सामान वामान लेकर आप आ सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट UP2 के फॉर्मेट का ही होना चाहिए, उसके अलावा फॉर्मेट नहीं चलता, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो पंगा होगा एडमिशन में, तो लेके आना UP2 के फॉर्मेट का ही लेके आना। उसके बाद एक स्पेशल बच्चे का ये डाउट था, स्पेशल डाउट था कि गैप सर्टिफिकेट में 10 की जगह 20 रुपये का स्टैंप लगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, डॉक्यूमेंट्स वाली चीज़ है ना होनी चाहिए आपके पास, उतना सीरियसली कोई चेक नहीं करता है, बस रखना सारे डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फोटोकॉपी रखना, आपको स्क्रीन पर लिस्ट भी मिल जाएगी, आपको हर जगह लिस्ट मिल जाती है, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में सेम ही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। उसके बाद देखो कैरेक्टर माइग्रेशन गैप ये सब इंपॉर्टेंट है, बट अगर इनमें से कोई एक ना हो तो कोशिश करो डिजी लॉकर वाली हो, वो भी ना हो तो अंडरटेकिंग बनवाने की कोशिश करो, एडमिशन कैंसिल नहीं होता है बट थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लास्ट में एंटी रैगिंग की चीज़, देखो एंटी रैगिंग इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी लेके आना ही आना है, आपको प्रोसेस पता ही होगा, नहीं पता तो यूट्यूब पर चले जाओ, 2 घंटे का काम है आराम से बन जाता है, बट वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको लेके आनी ही आनी है। सो इतने डाउट्स थे जो मेरे पास आए थे कमेंट सेक्शन में, इन केस और अगर कोई आपको डाउट हो, क्योंकि आप ऑलमोस्ट फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू ही हो चुकी है, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक्टिव रहूँगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, या फिर मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हैंडल पर भी पूछ सकते हो।